हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लहसुनी आम का अचार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। जो आम है, लहसुनी वाला जो आम बोलिए या लहसुनी आम बोलिए, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं इसे बोलिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। सालों साल चलते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता। बच जाएंगे 10 सालों तक चलेंगे, लेकिन बिल्कुल खराब नहीं होते इस तरीके से आप अचार को जरूर। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अचार बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये 1.5 किलो आम ले लिया है, इसको हमने काट के तैयार कर लिया है। आम मतलब लहसुनी आम का अचार आज हम बनाएंगे। माँ के हाथों का जो स्वाद है, अब बहुत ही मतलब ये पहले जो माँ बनाती थी उस तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि लहसुनी आम का अचार आप बनाएंगे इस तरीके से। 10 सालों तक आपके अचार आम के पच भी जाते हैं, वो बिल्कुल खराब नहीं होते, हम गारंटी के साथ बताते हैं। हर साल हम अचार बनाते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं अचार, बिल्कुल खराब नहीं होते। देखिए, अब इसे जो है हल्दी को हम मिला के इसे पूरे दिन हम इसे धूप दिखाएंगे। आम को ऐसे ही हम इसे पूरे दिन जो है धूप में डाल देते हैं। देखिए, अचार के लिए पहले हम नमक को भून लेते हैं। नमक को हमें बस इतना भूनना है 2 मिनट तक, इसका जो कच्चापन हो वो खत्म हो जाए। इससे ये होता है कि अचार जो है सालों तक चलते हैं, ये खराब नहीं होते। देखिए, अब इन्हें हमें अच्छे से जो है नमक को भून लेना है। देखिए, हमने नमक को भूनने के लिए रख दिया है, नमक जो है भून रहा है। आज जो अचार है हमने धूप से उठा के लेके आया है। आम का अचार जो है पूरा दिन हमने धूप दिखा दिया, देख सकते हैं कलर जो है कैसे हो गया है इसका। अब नमक भी जो है भून चुका है, कच्चापन हो गया है खत्म। चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें जो है हम नमक डाल देते हैं। देखिए, ये जो नमक स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया। देखिए, हमने ये सरसों का तेल ले लिया, हम चूल्हे को ऑन कर देते। पहले हम तेल को गर्म कर दे रहे हैं। अचार में जो तेल हम यूज करेंगे वो गर्म करके यूज करेंगे, धुआं उठने लगेगा, उतना हमें तेल को है गर्म चाहिए। ये सरसों का तेल है, अचार में सरसों का तेल ही यूज करना चाहिए, इसे स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है अचार का। देखिए, हमने तेल को रख दिया है, तेल जो है गर्म हो रहा है, तेल जो है गर्म हो गया है, चूल्हे को बंद कर देते हैं। जो हम मसाले यूज करने वाले हैं, मसाले दिखा देते हैं। सूखा खड़ा लाल मिर्च और ये पीली वाली राई, ये बनारसी राई, ये मेथी दाना और ये धनिया, खड़ा धनिया। देखिए, हमने ये 2 चम्मच ये लिया, 2 चम्मच ये, 1 चम्मच ये लिया और 1 चम्मच हमने ये ले लिया, 2 चम्मच ये जीरा और सौंफ, हमने ये मसाले खड़े मसाले हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसे हमें कढ़ाई रखनी है चूल्हे पे और इन मसालों को हम डालेंगे इसमें। चूल्हे को हमें ऑन करना है, अब मसाले को हमें भूनना है। हमें मसाले को इतना भूनना है कि खुशबू अच्छी आने लगे। और देखिए, माँ ऐसे ही मतलब दादी नानी और माँ ऐसे ही पहले मतलब ये अचार जो बनता था इसी तरीके से अचार बनाई करती थी। आज हम आपको इस तरीके से अचार जो है आम का बता रहे हैं बनाने के लिए। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, सालों तक रहते हैं, बच भी जाते हैं। 10 साल बच जाएंगे तभी भी अचार खराब नहीं होंगे। लेकिन हम जो तरीके बता रहे हैं उस तरीके से आप अचार को बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए, अब इसे हमें पहले मसाले को जो है भून लेना है। ऐसे ही कम पे रख के हमें मसाले अच्छे से भून के तैयार करना है। हमें ज़्यादा मसाले को मतलब जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा हमें भूनना है कि सोंधी सोंधी अच्छी खुशबू आने लगे। इससे मसाले जो है अच्छे से भून जाते हैं इस तरीके से, कम पे रख के और सोंधी खुशबू आने तक हमें मसाले को भून के तैयार करना है। मसाले जो है बहुत अच्छे से भून गए हैं। देखिए, कम पे रख के हमने भुना है, बिल्कुल कलर नहीं चेंज हुआ है, चटकना शुरू हो गया। अब हम चूल्हे को बंद कर दे रहे हैं। अब इसमें हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए, थाल में निकाल ले रहे हैं, हमने थाल ले रखी है, इसमें निकाल देते हैं, जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा। देखिए, हमने इसे निकाल दिया। अब इसे ठंडा करके हमें पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए, इसमें हम मसाले डाल देते हैं, कुछ खड़े मसाले हमने ले रखे डालने के लिए। ये मंगरेल जो मंगरेला बोला जाता है वो है, सौंफ, अजवाइन, ये हमने ढेर सारा हींग ले लिया, ये हल्दी पाउडर, अब इन्हें हम डाल देते इसमें। देखिए, हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता, तीखा नहीं होता, ये लाल मिर्च जो तीखा वाला होता है, अब ये हम डाल देते इसमें। अब इसमें डालेंगे हम तेल को, मसाले ठंडे हो रहे हैं तब उन्हें हम पीस लेंगे। देखिए, ये गरम किया हुआ जो तेल था, अभी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, पूरा तेल नहीं डालेंगे। देखिए, अब इन्हें हमें मिला देना है अचार को मसाले के साथ। अब वो मसाले भी ठंडा हो गए हैं, अब उन्हें भी हम पीस लेते हैं, पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से ये मिल जाने चाहिए,
और इन्हें हम धूप में दिखाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। हमने जो मसाले देखिए हमने तैयार कर लिया है दरदर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ये मतलब टेस्टी बने हैं मसाले जो हैं। अब इन्हें हमें मिला लेना है अच्छे से अचार के साथ। देखिए हमने ये लहसुन जो है पेस्ट तैयार कर लिया, हमने सरसों का तेल डाल के और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है क्योंकि हम पानी, देखिए हमने इसमें सरसों का तेल डाल के और ये लहसुन का जो है हमने पेस्ट तैयार कर लिया क्योंकि हम आम का जो लहसुनी अचार बना रहे हैं ना, देखिए आम का लहसुनी अचार बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमने इसमें सरसों का तेल डाल के और जो लहसुन को हमने पीस के पेस्ट तैयार किया, इन्हें अच्छे से हमें मिला लेना है इसमें। देखिए अचार जो है बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम डाल देंगे शीशे वाले जार में, हमने जार ले रखा है, अब उसमें हम डाल के, देखिए हमने ये कांच का जार ले लिया है, ये किलो का है, हमने अच्छे से इसे साफ करके धूप दिखा के और हमने इसे लिया है। देखिए बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, अचार जो है खराब हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब इस जार में जो है हम अचार को भर लेते हैं। देखिए हमने अचार को जो है जार में भर लिया है। अब इस पे हम सूती कपड़ा बांध के और धूप में दिखाएंगे, एक हफ्ते बाद अचार जो है खाने लायक तैयार हो जाएगा। धूप दिखाने से ये अच्छा, धूप का अचार जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए हम आपको पास से दिखा देते हैं। देखिए अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल डाल के और इसे हम धूप में दिखाएंगे, धूप में दिखाते समय, और तेल जब हम लोग डाल देते हैं तो हमें ऐसे ऐसे हिला देना चाहिए कि मतलब अचार के ऊपर भी तेल जो है लग जाया करे, इसलिए देखिए अचार जो है तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत टेस्टी बना है। इस तरीके से आप जरूर बनाएं और खाएं और अपना अनुभव जो है हमें हमारे साथ आप शेयर करें।